ठीक है, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर वन, राइट द हाइड्रोजिनेशन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज विद H2PD। मतलब आपको इस में बताना है राइट प्रोडक्ट क्या होगा। 1,2-ब्यूटाडाइन, आपको क्या लग रहा है 1,2-ब्यूटाडाइन H2PD यानी मेटेलिक हाइड्रोजिनेशन हो रहा है, तो क्या यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट ब्यूटेन हो जाएगी ए के अंदर? बोलो यस और नो। तो ये ब्यूटेन ही होगी इस जगह। क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? कोई डाउट? तो फाइनल प्रोडक्ट, क्योंकि आपके पास मेटल हाइड्रोलिसिस में दो इन और आइन सब किस में चेंज हो जाते हैं? एल्केन में। एल्डिहाइड कीटोन किस में चेंज हो जाते हैं? एल्कोहल में। दूसरा, ट्रांस टू ब्यूटीन, ट्रांस हो या सिस हो, ये भी। तो यहां आपके आंसर क्या होगा? इसका ये हो जाएगा। यानी कुल मिला के आपका आंसर हर जगह यही होगा, भले यहां सेस होता है या ट्रांस होता। बेंजल्डिहाइड एल्डिहाइड है, CH2OH। क्लियर है? एल्डिहाइड की टोन को एल्कोहल में करते हैं, लेकिन ये एच मेटल हाइड्रोलिसिस एरोमेटिसिटी को खराब नहीं करता। इधर देखिए H2PD, एक ही इक्विवेलेंट, अगर एक ही इक्विवेलेंट लेना है तो हम उस एल्कीन को करेंगे जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम किस में होगा? इसमें। तो ये वाला बॉन्ड एज इट इज रहेगा, बाकी दूसरा वाला बॉन्ड चेंज हो जाएगा क्योंकि एक इक्विवेलेंट दे रखा है। हाँ, दोनों दिए होते तो हो जाता। तो ये CH3 CH CH3, ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, लिखें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चंस, राइट द हाइड्रोजिनेशन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। फिर वही है, हाइड्रोजिनेशन करना है। अब ये देख लीजिए यहाँ क्या होगा, एल्केन ही बनेगा। तो ये जितने भी डबल बॉन्ड है वो क्या हो जाएंगे? सिंगल बॉन्ड में। ट्रिपल बॉन्ड ही सिंगल में हो जाता है तो ये तो डबल है। ठीक है, तो मैट बिट आप शांति रखें। तो इसका मतलब डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, यहाँ पर किस में चेंज हो जाएगा? वो सिंगल बॉन्ड में। और अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो ये किस में हो जाएगा? लेकिन ध्यान रखना H2PDBSO4 दे रखा है। BSO4 यहाँ पर नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करेगा। वहाँ BSO4 था क्या? नहीं। तो वहाँ पर तो डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव कैटलिस्ट भी साथ के साथ ले रखा है, यानी ये कैटलिस्ट है, ये नेगेटिव कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में चेंज करेगा और नेगेटिव कैटलिस्ट डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए मना कर देगा। तो इस कैटलिस्ट को हम क्या बोलते हैं? लिंडलार कैटलिस्ट। तो लिंडलार कैटलिस्ट में हमारे पास मेटल हाइड्रोजिनेशन होता है, लेकिन वो सिन एडिशन होता है। और सिन होता है तो इसका मतलब हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो कौन सी बनेगी? एल्कीन, सिस। तो बाकी पूरी पूरा करना और यहाँ पर सिस एल्कीन बनाना। तो सिस एल्कीन अब आपके पास क्या होगी? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, फिर उसके बाद एक और CH2, फिर C, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर C और CH3। तो ये कुछ इस तरह की एल्कीन आपके को देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, बेंजोइल क्लोराइड, ये कहलाता है, वही कैटलिस्ट यूज किया है जो ऊपर कर रहे हैं, लेकिन यहां पर कहलाता है ये रोजनमुंड रिएक्शंस। रोजनमुंड में एसिड हैलाइड किसमें चेंज हो जाता है? एल्डिहाइड में। समझ में आ रहा है? यानी आगे ये अल्कोहल में कन्वर्ट करने से रोक देगा। अगर ये नहीं लेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? अल्कोहल। तो अब आपके पास बेंजोइल क्लोराइड है, तो ये था बेंजोइल क्लोराइड, रिडक्शन हुआ, यहां तक पहुंचा, आगे पहुंचने के लिए मना कर दिया बेरियम सल्फेट ने, नेगेटिव कैटलिस्ट है। अगर ये नहीं होता तो अल्कोहल बन जाता। तो अभी तो फिलहाल फाइनल प्रोडक्ट यही रहेगा। तो ये चीज समझ में आ गई। देखिए नेक्स्ट, A3 की बात अगर कर रहे हो तो ये बिच रिडक्शन है, और बिच रिडक्शन कैसा होता है? ट्रांस। ट्रांस होता है तो यहां पर जो एल्कीन बनेगी वो कैसी बनेगी? ट्रांस। यानी आपके पास ये इस तरह से जाएगा, बाकी कार्बन आप एज इट इज लगा दोगे, OH के साथ कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये ब्रिज रिडक्शन हुआ, ये भी ब्रिज रिडक्शन है। और क्योंकि इसमें एरोमेटिसिटी भी ब्रेक होती है, ब्रेक होने के साथ देखती है कि ग्रुप कौन सा अटैच है, विड्रोइंग ग्रुप है, तो विड्रोइंग ग्रुप है तो अब आपके पास ये यहां पर कुछ इस तरह से हो जाएगा COOH, बस W बन जाएगा। मैंने विड्रोइंग ग्रुप है, विड्रोइंग का W और हमारा W मिलता जुलना चाहिए। ठीक है, डोनेटिंग होता तो हम यहाँ उल्टा रखते, ये इस तरह से रखते, ये इस तरह से। तो ये बहुत अच्छे से पकड़ना। नेक्स्ट, गिव रिएक्शन कंडीशंस,
रिएजेंट एंड और कैटेलाइज फॉर द इफेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्शन. तो करिए, यहाँ हमारे पास क्या है, एक तरह से देखा जाए तो ये एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड है ये. तो जब ट्रिपल बॉन्ड है और इसको हमें डबल बॉन्ड में चेंज करना है और सिन एडिशन करना है, तो लिंडलार कैटलिस्ट यूज करेंगे. आप करेंगे या नहीं करेंगे? तो लिंडलार कैटलिस्ट आप जानते ही हैं, H2PD, BSO4, या साथ में क्यूनोलीन भी ले सकते हो आप. ये क्यूनोलीन हो गया, ठीक है. आगे नेक्स्ट, हमारे को ये पूरा रिडक्शन करना है, यानी एक तरह से एल्डिहाइड कीटोन को सीधा किसमें चेंज करना है, एल्केन में. कौन अच्छा रहेगा? क्लेमेंसन एंड वुलकिशनर दोनों ही अच्छे रहते हैं जो एल्डिहाइड कीटोन को चेंज होते हैं. तो या तो आप क्या ले सकते हैं, आप जिंक अमलगम प्लस HCl, और या फिर आप ये मतलब हाइड्रोजन ले लो, NH2 प्लस KOH. आप दोनों ही ले सकते हो क्योंकि इसमें कोई भी एसिड या बेस सेंसिटिव ग्रुप नहीं है. अगर होता तो हम सोचते कि क्या लेना होता है. जैसे अगर यहाँ पर कुछ होता, एसिड सेंसिटिव होता, तो फिर हम ये नहीं लेते, ये लेते, ठीक है. लेकिन अभी तो फिलहाल दोनों लेंगे आप. नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं, हाँ हम यहाँ पर ले सकते थे, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ईच रिएक्शंस. तो देखिए, PsCHO लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है फॉलोड बाय H2. तो बिल्कुल H ऐसे देता है जैसे ग्रिगनार्ड रिएक्शन आती है. तो कुल मिला के आपके पास PhCH2OH बन जाएगा, एल्डिहाइड की टोन को सीधा चलेगा. NaBH4 फॉलोड बाय H2O. तो NaBH4 फॉलोड बाय, ये भी वही काम करता है जो जो आपके पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करता है. हाँ बोलो बेटा. हाइड्रोलिसिस तो करना ही पड़ेगा आपको. OH बेटा, हाइड्रोलिसिस के बगैर काम थोड़ी ना चलेगा. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में पहले H माइनस आता है, फिर इस तरह से होता है PH, C डबल बॉन्ड हो. तुमने ध्यान से नहीं पढ़ा क्लास को, पहले H माइनस आएगा जो इस तरफ जाएगा, ये यहाँ जाएगा तो यहाँ माइनस आएगा, फिर इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, यहाँ H आएगा, ठीक है ना. जैसे ग्रिगनार्ड की रिएक्शन होती है वैसे ही मैकेनिज्म जाती है इसके भी. तो हाइड्रोलिसिस तो चाहिए चाहिए. और इसका काम क्या होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का H देना, और वाटर का काम क्या होता है, इसको H देना. दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं. अब जैसे यहाँ पर है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जगह ड्यूट्राइट, तो यहाँ पर ड्यूटेरियम लग जाएगा, ओपे माइनस H2OH यहाँ दे देगा, तो ये फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा, सही है. तो ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा आपका यहाँ पर. अब अगले वाले में ये H देगा और वो D देगा, तो ये बन जाएगा. नेक्स्ट में आपके पास क्या है, NaBH4 BD4 है, तो D यहाँ पर आएगा और ये अब क्या देगा, H देगा. वो वाटर दे जरूरी नहीं है, इथाइल एल्कोहल भी दे सकता है, मिथाइल एल्कोहल भी दे सकता है, ठीक है ना. तो H ही तो देना है, कोई भी वो दे सकता है जो पोलर प्रोटिको. अब यहाँ पर क्या होता है, ये तो D2 है, तो एक D यहाँ लग जाएगा, एक D यहाँ लग जाएगा. ये तो एक तरह से ड्यूटेरिनेशन हो गया, जैसे हाइड्रोजिनेशन होता है वैसा का वैसा रूम टेम्परेचर में. तो ये सारे इजी हो गए. देखिए NaBH4 और एल्कोहल, अगर आप देखते हो NaBH4 मॉडरेट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये एस्टर को तो कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन हाँ इस एल्डिहाइड को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड कीटोन को एल्कोहल में चेंज कर देता है, तो इसमें तो ये प्रोडक्ट बनेगा. लेकिन जब बात आ रही है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, तो वो दोनों तरह से रिड्यूस करेगा, H यहाँ पर भी लगाएगा और OH कर देगा यहाँ पर, और इसको एक तरह से फाइनल आपके पास ये OH बन जाएगा, ठीक है. वो तो एस्टर हो या एसिड हो या एसिड डेरिवेटिव्स कुछ भी हो, उसको सीधा कहाँ पटकता है, अल्कोहल पे, ठीक है, अल्कोहल तक ही ले जाता है. तो फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा OH और ये भी OH, और ये ब्रेक हो गया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में, ठीक है. दूसरी तरफ NaBH4, ये देखिए NaBH4, अगर NaBH4 देते हैं तो एसिड डेरिवेटिव्स में सिर्फ एक ही को रिड्यूस करता है, वो होता है एसिड हैलाइड, यस और नो. तो क्या एसिड हैलाइड इसमें रिड्यूस हो जाएगा, हाँ. तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से OH हो जाएगा, ये H, NaBH4 में बता रहा हूँ. लेकिन क्या एमाइड होगा, नहीं होगा.
कीटोन हो जाएगा? हाँ, तो ये हो जाएगा OH बस। तो ये तो बनेगा आपके पास यहां पर, क्लियर है? अब नीचे की तरफ देखिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वो तो और ही स्ट्रांग है। वो क्या करता है, वो तो सीधा इसको हटा देगा पूरा और इसको क्या बना देगा, NH2। नहीं बिल्कुल, NH2 ला देगा, एमीन को, एमीन में बनाता है वो एमाइड को, NH आ जाएगा जो भी है वो पहले से ही है। तो एक तरह से एमाइड को किसमें चेंज करता है, एमीन में। हटाया कैसे, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करता क्या है, काम क्या करता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जब भी देखते हो, अरे एक मिनट, ये NH2 है, फाइनली करता क्या है वो, एमीन में ही चेंज करता है। मैंने लिखाया है आपको, ध्यान देखो कि यहाँ अल्कोहल या कुछ ऐसा नहीं बनता, सिर्फ ये ऑक्सीजन हटता है एमीन के, और यही काम सी ट्रिपल बॉन्ड एन के साथ भी होता है। तो ये एमीन ही बनाता है, यहाँ अल्कोहल नहीं बनाता। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं इस चीज को कि एमाइड के केस में ऑक्सीजन को सीधा हटाना है। लिख लो, बार बार दिमाग में नहीं रहेगा, आज याद रहेगा बाद में भूल जाओगे, ठीक है ना? कि एमाइड के केस में ऑक्सीजन को सीधा हटा दो, और दूसरी जगह एसिड डेरिवेटिव्स में ऑक्सीजन को OH के रूप में हटाओ। इज दैट क्लियर? तो लिखो अपने साथ आगे B3। अगर इसको देखते हो आप, तो क्या रह रहा है, आपको मालूम है ये कौन सी है रिएक्शन है? तो भाई ये MPV रिडक्शन है। तो इसमें क्या होता है, कीटोन एल्कोहल में चेंज हो जाता है और एल्कोहल कीटोन में। तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये आपको कुछ भी नहीं, MPV रिएक्शन है। तो ये MPV रिडक्शन में एल्कोहल लिया जाता है एक तरफ, कीटोन, कीटोन एल्कोहल में और एल्कोहल कीटोन में, यानी कि ये सी डबल बॉन्ड ओ और CH3 में चेंज हो जाएगा। दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। रेड फास्फोरस और HI एल्केन बनाता है, सीधा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, सबका बाप है। तो ये CH3 हो गया। इधर देखिए, फिर रेड फास्फोरस और दिस, तो ये आपके फाइनली, और नीचे वाले CH3 रह जाएगा, और रेड फास्फोरस खत्म। तो यहां पर क्या बनेगा, एमीन, ऑक्सीजन से उसकी लड़ाई है, ऑक्सीजन को सीधा हटाएगा। तो ये तो रहा इसका छोटा सा पॉइंट। देखो इधर, ऑक्सीडेशंस, राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर द प्रोडक्ट्स फॉर्म व्हेन 3-हेप्टाइन रिएक्ट विद KMnO4 अंडर। KMnO4 क्या काम करता है, हेप्टाइन की बात कर रहे हैं, 3-हेप्टाइन, पहले हेप्टाइन बना लो, और वो भी 3, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और 3 पे हेप्टाइन। तो KMnO4 रूम टेम्परेचर पे, तो मैंने कल भी बताया था, ये पाई बॉन्ड हटाओ, एक पाई बॉन्ड ये वाला भी हटा दो और डाइकेटोन बना लो, और ज्यादा ही हाई टेम्परेचर रखोगे तो ये वाला बॉन्ड भी टूट जाएगा और क्या बन जाएगा, OH। कल इसका तो अलग से नोट लिखाया था मैंने नीचे, याद करो कि रूम टेम्परेचर और दिस में क्या अंतर है। अगर हाई टेम्परेचर रखोगे तो मीडियम एसिडिक हो या बेसिक हो, वो इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है कि तीनों को ही ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ के, बिल्कुल हर एक बॉन्ड टूटने के साथ ही OH लगाते जाओ। डबल बॉन्ड हटेगा तो 2H लगेंगे, 2H क्या बनाएगा, कीटोन वाला पार्ट बनाएगा। अच्छे से समझ में आना चाहिए। इधर देखो, KMnO4 है, रूम टेम्परेचर ही दिया हुआ है, तो क्या बनाएगा, COOH। मैंने कल आपको बताया था यहाँ पर कितने ही कार्बन हो उससे कोई मतलब नहीं है, अच्छे से बताया था। KMnO4 है, कुछ भी हो सीधा क्या बनाएगा, COOH, बस यही बनाएगा। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये हाइड्रोजन हटेगा, इसकी जगह क्या आएगा, OH, फिर एक और हाइड्रोजन हटेगा, क्या लगेगा, OH। तो ये वाला बन जाएगा पहले, फिर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड भी टूट जाएगा और क्या लग जाएगा, OH। तो फाइनली आपके पास क्या बन जाएगा, COOH, ऐसे बनता जाएगा। और दूसरे वाले पार्ट का क्या होगा, उसमें भी, उसको भी एक एक OH मिलता जाएगा, तो फाइनली वो भी क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा, ठीक है? कुछ ना कुछ में मतलब वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा। नेक्स्ट, अगर आप देख रहे हो तो यहां पर KMnO4 है, समझना, KMnO4 ऑक्सीडाइज करता है अल्फा बेंजीन से रिलेटेड अल्फा हाइड्रोजन को। तो ये वाला हाइड्रोजन किस में चेंज हो जाएगा, OH में, और ये भी किस में चेंज हो जाएगा, OH में, फिर ये वाला पाई टूट जाएगा,
ये किस में जाएगा, ओ एच में, और ये भी क्या हो जाएगा, ओ एच में, फिर ये सिग्मा भी टूट जाएगा, ये ओ एच और ये वाला ओ एच, तो तीन ओ एच क्या बनाएंगे, सी डबल ओ एच। तो फाइनली प्रोडक्ट आपको क्या दिखाई देगा, सी डबल ओ एच और सी डबल ओ एच, बस यही होता है। ये इस तरफ का हुआ, दूसरी तरफ भी ऐसे ही सोचते जाना, तो दूसरी तरफ भी सी डबल ओ एच, सी डबल ओ एच जैसी फील आपको आ जाएगी। क्लियर है कॉन्सेप्ट्स, लेकिन हमें मेजर इसी का बताना था। नेक्स्ट, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 एक तरह से बेयर रिएजेंट हो गया, तो बेयर रिएजेंट होते ही आपके पास क्या होगा, ये वाला चीज टूटेगी और सिस एडिशन होगा, ओ एच ओ एच, फाइनल कंपाउंड क्या बनेगा, मेजो, क्योंकि POS है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये परोक्सी एसिड है, और परोक्सी में कैसा होता है, एडिशन ट्रांस, तो जब परोक्सी में ट्रांस होता है तो एक ओ एच ऊपर आ जाएगा और एक ओ एच नीचे, तो बताओ यहाँ क्या बनेगा, आपके दोनों कायरल है, ऑरल मॉलिक्यूल कायरल है, तो रेसेमिक मिक्सचर बनेगा आपको यहाँ पर, तो इज दैट क्लियर। तो जब भी ये रिएक्शन होगी, ये मल्टीपल चॉइस में डाल देंगे, ए और बी आंसर या ए सी आंसर कर देंगे, बस अंतर क्या होगा, एक ऐसा दे देंगे एक इस तरह का दे देंगे, ओ एच ओ एच, ये और ये एक दूसरे के क्या है, बताओ क्या है, ये एक दूसरे के एनेंशियोमर्स है, एनेंशियोमर्स है, देख लो, हाँ या ना, बस तो ये दोनों दे देंगे कहीं ना कहीं ऑप्शन बना के, नेक्स्ट इजी है, कोई खास ऐसा नहीं है। व्हेन टर्शियरी ब्यूटेनॉल एंड एन ब्यूटेनॉल आर सेपरेटेड फ्रॉम दिस 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 वन केस ओनली, कर लोगे, पर्पल कलर अपीयर इन ए ब्राउन प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, ब्राउन प्रेसिपिटेट जब भी बनता है इसका मतलब MnO2 बन रहा है, और बिल्कुल यानी KMnO4 किस में चेंज होता है, MnO2। विच ऑफ द फॉलोइंग टू एल्कोहल गिव्स द अबाउट रिएक्शंस एंड विच ऑफ द विच इज द ब्राउन प्रेसिपिटेट, तो ब्राउन प्रेसिपिटेट तो आपका हो ही चुका है, किसका, एन ब्यूटेन का। तो व्हेन टर्शियरी ब्यूटेनॉल एंड एन ब्यूटेनॉल आर सेपरेटली ट्रीटेड, तो एन ब्यूटेन टर्शियरी ब्यूटेनॉल क्या होगा, ये हो गया टर्शियरी ब्यूटेनॉल, तो क्या टर्शियरी ब्यूटेनॉल ऑक्सीडाइज होगा क्या, नहीं, लेकिन एन ब्यूटेनॉल हो जाएगा क्या, यस। तो आप समझ रहे हैं कि जो ऑक्सीडाइज होगा वही KMnO4 से ऑक्सीडाइज होगा, और KMnO4 का रिडक्शन होगा MnO2 में, और यही ब्राउन होता है, ठीक है ना, तो ये ब्राउन आएगा इसकी वजह से, तो यही आंसर आएगा आपका, ड्यू टू एन ब्यूटेनॉल। देखिए फर्स्ट 1 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है, कीटोन में, 3 डिग्री अल्कोहल का क्या होता है, कुछ भी नहीं। तो ये छोटा सा इंफॉर्मेशन आपके लिए, जब किसी का ऑक्सीडेशन होता है तो सामने वाले का रिडक्शन भी होगा, और KMnO4 किस में चेंज होगा, MnO2, MnO2 में चेंज होगा तो MnO2 का कलर चेंज होगा, पर्पल से किस कलर में आ जाएगा, वो ब्राउन में। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, HIO4 क्या करता है, इस बॉन्ड को ब्रेक करता है और दोनों तरफ क्या लगाएगा, OH, ऐसा अपन ने कल करा था, तो देखिए OH OH मिलके ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, अपन ने यही करा है कि जहां जहां इस तरह से आए तोड़ते जाओ और हर एक को क्या लगाते जाओ, OH 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 OH, इसमें इधर भी टूटेगा OH, इसमें इधर भी टूटेगा OH, बोलो यस और नो, दो दो तरफ से टूट रहा है, दो बार OH लगेगा, तो ये तो क्या बन जाएगा, H, दो OH है, HCHO, ये क्या बनेगा कॉर्नर वाला, HCHO, दो OH H2 निकाल के क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड, और बीच में क्या होगा, तीन OH है एक ही कार्बन पे, तो सी डबल ओ एच, एच सी डबल ओ एच, एच सी डबल ओ एच, तो दो मॉलिक्यूल एच सी डबल ओ एच के, दो मॉलिक्यूल एच सी एच ओ के, हाँ या ना, ये तो रहा हमारे पास, यहां पर भी HIO4 है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और इसको क्या मिलेगा, OH, तो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा और इसको भी OH मिलेगा, ये क्या रहेगा, एसिटाल्डिहाइड, एक कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा और एक एसिटाल्डिहाइड, तो बस बॉन्ड तोड़ते जाओ। यहां देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें लगभग लगभग सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिए, तो लिखते जाना, कॉपर क्या काम करता है,
थ्री डिग्री एल्कोहल को सोना, वन डिग्री एल्कोहल को, वन डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में, टू डिग्री एल्कोहल को कीटोन में, और थ्री डिग्री एल्कोहल को एल्कीन में। तो लिख लीजिए कॉपर के साथ। तो यहां पर कॉपर क्या करता है, थ्री डिग्री एल्कोहल को एल्कीन में, टू डिग्री एल्कोहल को कीटोन, और वन डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड। ये एक छोटा सा पॉइंट हो गया, बाकी और किसी के साथ मत छेड़छाड़ करना। तो एक तरह से अगर आप इतना गर्म कर रहे हो तो ये थ्री डिग्री एल्कोहल है, इसको हटा दो OH को, थ्री डिग्री, और यहां क्या लगाओगे एल्कीन, लगा दिया आपने, ठीक है। दूसरी तरफ ये कौन सा एल्कोहल है, टू डिग्री, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कीटोन में। ये कौन सा एल्कोहल है, वन डिग्री एल्डिहाइड में। ये कौन सा है, टू डिग्री कीटोन में। इजी है ना। नेक्स्ट KMnO4 क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, KMnO4 ऑक्सीडेशन करेगा। तो KMnO4 भी कुछ मिलता जुलता ही काम करेगा। KMnO4 क्या करेगा, टू डिग्री अल्कोहल को कीटोन में, वन डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में, और ये कीटोन में टू डिग्री है, और थ्री डिग्री अल्कोहल के साथ KMnO4 कुछ भी नहीं करेगा। अगर कॉपर होता तो ये एल्कीन में, बाकी सब चीजें सेम रहेगी। पक्का, इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अब किसका नाम आएगा, PCC का, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC, ये एल्डिहाइड को किस में चेंज करता है, नहीं कुछ नहीं करता, लेकिन अल्कोहल को किस में चेंज कर देता है, एल्डिहाइड और कीटोन में, बस इतना है। यानी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जितने भी है, ये टू डिग्री एल्डिहाइड अल्कोहल है, तो इसको किस में चेंज कर देगा, कीटोन में। इसको किस में चेंज कर देगा, एल्डिहाइड में। इसको किस में चेंज कर देगा, कीटोन में। और थ्री डिग्री अल्कोहल को वो भी कुछ भी नहीं करेगा। तो ओवरऑल ये रहेगा MnO2। MnO2 स्पेसिफिक ऑक्सीडाइज एजेंट है, बिल्कुल सही कहा आपने बेटा। ये वन KMnO4 जो है, वन डिग्री अल्कोहल को तो सीधा कहां तक ले जाता है, एसिड में। तीनों हाइड्रोजन को OH OH, तो एसिड ही बनेगा, या सुनो। और ये जो MnO2 है, ये स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो टू डिग्री अल्कोहल को कीटोन में चेंज करता है, बाकी के साथ कोई चेंजेस नहीं है। तो टू डिग्री अल्कोहल है कौन सा, यहां पर देख लो, बस एक है, तो उसको कीटोन में चेंज कर देगा, बाकी और किसी के साथ कोई चेंज जज नहीं है। तो ये रहा आपका D2 तक, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे को सिंपल सा याद करना है कि देखो, मैं आपका डाउट सही है, KMnO4 हमेशा MnO2 में चेंज होता है, यानी MnO फर्दर आगे अपना रिडक्शन नहीं करता और सामने वाले का ऑक्सीडेशन नहीं करता, माइल्ड है। तो ये सिर्फ कॉन्जुगेटेड टू डिग्री अल्कोहल को ही रिलेटेड कीटोन में कन्वर्ट करता है, बाकी को नहीं कर सकता, इसकी औकात नहीं है, बस। हाँ बस, ये तो एक तरह से बहुत वीक हो जाता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो लिख लीजिए नेक्स्ट। अब ये देखिए कॉपर क्या करेगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। इस जगह कॉपर एल्डिहाइड को किस में चेंज, अल्कोहल को किस में चेंज करेगा, एल्डिहाइड में। तो ये वन डिग्री अल्कोहल है, एल्डिहाइड कीटोन में, और ये किस में चेंज कर देगा, एल्कीन में। तो सब जगह अलग अलग है, यहां कीटोन में, यहां एल्डिहाइड में, बस खत्म। अब कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस का पार्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास हाइड्रोलिसिस है, हाइड्रोलिसिस देखो इसका कैसे होगा। सबसे पहले H आएगा, अब समझना वही थ्योरी है, H आ गया, प्लस किस पे आएगा सीधा, क्योंकि H तो इसी ऑक्सीजन पे जाएगा अटैच, क्योंकि लोन पेयर इसी के पास है, तो प्लस किसके ऊपर आएगा, अभी ऑक्सीजन पे। अब ऑक्सीजन को इन दोनों बॉन्ड में से एक बॉन्ड तोड़ना है, कौन सा तोड़ोगे आप, ये वाला, जिससे आपका बनने वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल हो। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा आपके पास, आपके पास इस तरह से बनेगा,
कितना इजी है, आप रटो मत, जिस दिन आपने रटा उसी दिन परेशान हो, ये बना या नहीं बना। अब जैसे ही ये बनेगा उसी समय हाइड्रोलिसिस में एच प्लस आ चुका है, ओ एच भी तो आएगा बाद में वाटर का, तो अगला टॉपिक क्या रहेगा, ये OH आ चुका है, ये हो चुका है पक्का, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या होगा, फिर H आएगा, ये H आया, ऑक्सीजन पे प्लस आया, इज दैट क्लियर। अब फिर कार्बोकैटायन बनेगा, तो कार्बोकैटायन कहां बनना की कोशिश करेगा, यहां या यहां, यहां, क्यों, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस प्रोवाइड कर रहा है, हो गया, ये भी हो गया। तो जैसे ही ये बॉन्ड टूटा, ये ऑक्सीजन का प्लस खत्म हो गया, प्लस किस पे पहुंच गया, कार्बन पे। अब फिर हाइड्रोलिसिस हो रहा है अभी, तो इस पे को वापस क्या मिल जाएगा, OH, OH एक ही कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं रहेंगे, तो बस ये बन जाएगा फाइनल कंपाउंड। इसके लिए कोई थ्योरी कोई चीज नहीं, बस एक कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया वो काम चल रहा है। तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, जिसके पास लोन पेयर होगा वहीं तो अटैक करेगा, तो एच यहाँ अटैच करेगा, नाइट्रोजन पे प्लस आएगा, नाइट्रोजन पे प्लस आएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, प्लस किस पे जाएगा, कार्बन पे, तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, लो खत्म। ऐसे कर करके पूरे तीनों बॉन्ड टूट जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, CH3C, सी को तीनों जगह क्या मिलेगा, OH OH OH, और नाइट्रोजन को क्या मिलेगा, एक एक करके H H H, तो ये तो अमोनिया बन के बाहर निकल जाएगी, और एक ही कार्बन में तीन C डबल OH हो तो क्या बन जाता है, COOH बन जाता है, तीन OH ग्रुप हो तो क्या बन जाएगा, COOH, दो हो तो एल्डिहाइड या कीटोन, बस देख लो खत्म। आज यहां पर क्या है, CH3N, तो इसको H मिलेगा, H मिलेगा, H मिलेगा, H इसको मिलता जाएगा, और कार्बन को क्या मिलेगा, OH OH OH, तो फाइनली क्या बनेगा, इसमें उसमें फॉर्मिक एसिड है, इसमें एमीन है, एथेनामाइन है। तो ऐसे इतना आसान है हाइड्रोलिसिस और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की, आप एक ही पेज में पूरी थ्योरी लिख सकते हैं। इधर देखो रिएक्टेंट है, कर सकते हो आप, रिएक्टेंट है, ये चाहिए मेरे को, COOH चाहिए, यार COOH और क्या चाहिए, HCl चाहिए, तो क्या लूंगा मैं, आप खुद ही बताओ, CH3 COOH चाहिए ना, सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एल ले लेता हूं मैं, खत्म बात, समझ में आ रही है बात, तो खत्म बात। तो इस तरह से हमारे पास हो जाएगा, इस जगह है CH3CONH2, अगर हाइड्रोलिसिस कर रहा है तो क्या बनेगा, देखो पहले ये तो बनाओ, क्या बनेगा, CH3COOH2, COOH2, एक एक करके हटाते जाओ। तो सबसे पहले ये वाला डबल बॉन्ड किस में चेंज होगा, पहले यहां आएगा एच, क्योंकि रेजोनेंस में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे प्लस है, तो कार्बन पे प्लस है, एक मिनट, तो पहले ये समझ लो कि ऑक्सीजन पे ये है, तो यहां हमारे पास प्लस आएगा, ठीक है ना, और कुल मिला के आपके पास धीरे धीरे करके यहां पर ये वाला भी बॉन्ड टूटेगा, इसको क्या मिल जाएगा, एच, और इसको क्या मिल जाएगा, OH, खत्म। तो ये आपके पास क्या बना है, लास्ट में जितने भी बॉन्ड है OH 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 से तोड़ दो, तीनों बॉन्ड टूट गए, तो क्या बन जाएगा लास्ट में, CH3COOH, और वो क्या बन जाएगा, NH3। ध्यान रखना गलती हो गई, यहां Cl आएगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा OH, तो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड और HCl, मतलब हमें हाइड्रोलिसिस में एक को H देना है और एक को OH देना है। H किसको देना है, H प्लस, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और OH किसको देना है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 10 बात की 1 बात, ठीक है। तो कार्बन और नाइट्रोजन में कार्बन को क्या मिलेगा, OH, और नाइट्रोजन को क्या मिलेगा, H। अब यहां देख लो इस जगह, इतनी ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, अब H3O किसको दोगे, इसको क्या दोगे, H या OH, OH, और इसको H, बस खत्म। यही हाइड्रोलिसिस का मेन काम है, शुरू से लेके लास्ट तक अगर देखोगे
तो आपको यही करना है, भले कोई सा भी हो, यही कंपाउंड क्यों नहीं हो, हर कार्बन को क्या देते जाओ OH, और H ऑक्सीजन को क्या देते जाओ H, और बॉन्ड तोड़ते जाओ। सबसे अच्छा तरीका, और क्या चाहते हो मुझसे? हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड हाइड्रो एनहाइड्रेट प्रोडक्ट। देखिए यहां पर है, बॉन्ड तोड़ना जरूरी हो रहा है, हाइड्रोलिसिस करना जरूरी हो रहा है, तो शुरुआत करें अपन। हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड एनहाइड्राइट प्रोडक्ट, यार एसिड एनहाइड्राइट क्या होता है? CaCO, CaCO, CaCO मान लो, ये एसिड एनहाइड्राइट है, सही है। एच अटैक हो गया, ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, इसको OH मिल जाएगा, इसको क्या मिल जाएगा? एच, खत्म बात। अब इससे ज्यादा तो हाइड्रोलिसिस करोगे नहीं, तो दो मॉलिक्यूल किसके मिलेंगे? एसिड के, खत्म, और कुछ भी नहीं है। बॉन्ड तोड़ो, और कहीं से भी अगर आपको लगता है नहीं सर हम यहां से तोड़े, अरे तोड़ लो यार, वही बनेगा। यहां से तोड़ोगे तो इसको एच मिलेगा और इसको OH मिल जाएगा, बनेगा तो वही। इधर देखो ये क्या है, एक तरह से एमाइड है। एमाइड में क्या होगा, नाइट्रोजन को क्या मिलेगा? एच, और सी को क्या मिलेगा? OH। तो ये तो बन जाएगा CaCCOH, ये क्या बन जाएगा? एमीन, खत्म। देखिए यहां पर CaCCHO बनाना है और CH3OH बनाना है, मेरे दिमाग में एक ही चीज आ रही है कि यार एल्डिहाइड बनाना है, यानी दो ही OH लगेंगे, समझ में आ रहा है? तो एक काम करो, अगर सोचते हैं अपन, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और एक तरफ आपके पास ले लो इस जगह, खास तौर पे कि ये वाला बॉन्ड टूट जाए और ऑक्सीजन हो और CH3 हो, समझना, इज दैट क्लियर? तो यहां बॉन्ड टूटेगा, इसको क्या मिल जाएगा? H, और इसको क्या मिलेगा? OH, ठीक है। तो OH मिलते ही ये तो हो गया CH3OH, और ये ट्यूटोमेरिज देखे क्या बनाएगा? CH3CHO, क्लियर है? तो ये वाला कंपाउंड हो जाएगा CH2C, फाइनल क्या बन जाएगा आपके पास? CH2COCH3, बस खत्म। तो ये आप दिमाग में चल रखें हमेशा। देखिए द रिएक्टिविटी ऑर्डर करिए, तो हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन में ही कंपेयर करना है, तो एल्कीन में जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना देखना है केवल। तो स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम किस में होगा? इसमें, फिर एक एक बढ़ता जा रहा है, सबसे ज्यादा यहां आ रहा है 2R, तो मेरे ख्याल से ए आंसर जा रहा है, बस इसमें तो वैसे ही देखते ही काट दिया गलत, क्योंकि इतने ज्यादा आर, इसमें भी काट दूंगा मैं, इसमें भी काट दूंगा, बस तो मेरे को आंसर ही वही दिखाई दे रहा है। जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन उतना कम होगा। तो कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन दो बातों पर डिपेंड करता है, पहला पहला नंबर पे तो कौन सा बॉन्ड डिसोशिएट हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के लिए ज्यादा होती है, और सबसे ज्यादा होती है नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड के लिए, नाइट्रो, फिर उसके बाद कार्बन ऑक्सीजन, फिर उसके बाद कार्बन ऑक्सीजन एसिड डेरिवेटिव्स, तो वो तो मैंने बता ही दिया है आपको। तो कोई क्या ऑर्डर रहेगा इसके अंदर? H2 और निकल, एक्सोथर्मिक, सबसे ज्यादा एक्सोथर्मिक कौन सा होगा जिसमें स्टेरिक इंडेंस सबसे कम हो? टर्मिनल, टर्मिनल खत्म, सबसे नंबर वन पे ये सबसे ज्यादा ये होगी। फिर देख लो उसके बाद ये अपने आप में बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस रख रहा है, ये भी है, तो मेरे ख्याल से बी, और फिर उसके बाद आएगा सी, उसके बाद आएगा डी, और फिर मेरे ख्याल से फिर ए, स्टेरिक हिंड्रेंस, सही है। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड मॉलिकुलर दिस इज नॉट रिड्यूस बाय H2PDB, ये है लिंडलार कैटलिस्ट, ये सिर्फ एल्काइन को करता है, एल्कीन को नहीं करता, तो क्या ये करेगा एल्कीन? नहीं, एल्काइन, हाँ एल्कीन करेगा, नहीं, हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड एंड फोर्थ, नॉट पूछ रहा है क्या? तो फर्स्ट एंड थर्ड, बी आंसर। तो ये बहुत इजी है। अब A4 को देखो आप, H2PD एक्स है, तो कैसे करेंगे? ये कौन सा एडिशन होता है? सिन, अच्छा क्वेश्चन है, सिन एडिशन है। पहले ये देख लो, ये एल C2H5 कौन सी पोजीशन पे? ट्रांस,
तो ये मैंने लिखाया C2H5 लिख दिया, और ये C2H5 दोनों एक तरफ लिखना जरूरी होता है। फिर ये नेगेटिव और ये भी, ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो एक एच इधर जाएगा और एक एच यहां जाएगा और CH3 यहां और CH3 यहां। तो अब आप इसका आइडिया लगा लो इससे आंसर क्या बनेगा। चलो एक मैं निकाल देता हूं, नंबरिंग कहां से करेंगे एल्केन की, 1 2 3। तो रेसेमिक मिक्सचर है आपके पास, अच्छा नहीं, तो एक मिनट, जब यहां कायरल है, यहां कायरल है ठीक है ना, तो करिए इसको, मल्टीपल चॉइस है क्या इसका आंसर? हाँ, तो वहां रेसेमिक मिक्सचर बनेगा ही बनेगा, मैंने बता दिया। नेक्स्ट NaNH2 बिच रिडक्शन है, बिच रिडक्शन है और CH3 डोनर है, डोनर है तो इस तरह से बन जाएगा। एक्सेप्टर होता तो ये होता, विड्रोइंग होता तो WS है, ये वापस बिच रिडक्शन है, यहां इनको कुछ भी नहीं चेंज करेगा, ये एल्काइन है तो ये क्या बनाएगा एल्काइन को, ट्रांस, ये ट्रांस, तो एक तरह से ये वाला प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है, दोनों ट्रांस बनेगी, तो आंसर क्या जाएगा बी, दिख ही रहा है ट्रांस ट्रांस, इसमें दोनों क्या है सिस सिस, सिस सिस बनाने के लिए आपको क्या चाहिए था, ये तब आता आंसर जब लिंडलार होता, ये तब आता है जब आंसर बिच रिडक्शन होता। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कन्वर्ट बोथ एसीटेल्डिहाइड एंड एसीटोन टू एल्केन्स, एल्केन्स के अंदर देखो निकल हाइड्रोजन नहीं करता है, एल्कोहल बनाता है, ये भी अल्कोहल बनाता है, ये हमने अभी नहीं करा है, ये है एक तरह से, ये आपके बनाएगा उल्टा एसीटेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन और आइडोफोम, तो ये अभी नहीं करा है, ये हमारे पास आ गया जिंक अमल का, तो ये हमारे पास हो गया कौन सा, जस्सी जैसी कोई नहीं, यानी कि जिंक के साथ क्लेमेंसन रिडक्शन, तो ये क्लेमेंसन रिडक्शन है, बिल्कुल सही है। स्टेफन रिडक्शन कन्वर्ट साइनाइड्स टू एल्डिहाइड, खत्म, एल्डिहाइड बनाता है, ये नाम ही यही एल्डिहाइड बनाने के काम आता है। फॉर द कैटेलाइज्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विच इज द करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर, अब आ गया रिएक्टिविटी ऑर्डर, कौन सा मेटल हाइड्राइड्स हाइड्रोजनेशन कर रहे हो आप, तो देखिए एसिड और एसिड हैलाइड में मैंने पहले कह दिया कि एसिड हैलाइड ज्यादा होता है, एकमात्र एसिड हैलाइड है, एसिड डेरिवेटिव है जो एल्डिहाइड और कीटोन से भी ज्यादा होता है। चलिए आगे, बाकी हमारे पास ये ज्यादा होता है कीटोन, तो ये भी गलत हो गया अभी, तो ठीक है ना, ये भी गलत है, ये भी गलत है, इधर देखो ये क्या है, ये एल्काइन है और एल्काइन ज्यादा और रिएक्टिव होती है, तो ये भी गलत है, और तीन गलत होते हैं तो चौथा सही होता है, ऐसा मैंने कहा है, तो एल्डिहाइड तो ज्यादा होता है CN से और इससे भी ज्यादा होता है NO2, ठीक है। हाँ, एल्डिहाइड मैंने बेटा, ये एल्काइन नहीं है, ये साइनाइड है, CN है, ठीक है, करो आप। बेंजोइक एसिड इज ट्रीटेड विद, बेंजोइक एसिड है तो बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है, रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम, ये वही है MPV रिएक्शंस, तो ये क्या हो जाएगा OH में चेंज हो जाएगा, MPV रिएक्शंस, नाम ही पता चल रहा है, ये कीटोन अल्कोहल में चेंज हो जाता है और ये अल्कोहल कीटोन में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, यहां आपके पास क्या है, सी ट्रिपल बॉन्ड है, डायबोल क्या कर देता है, एल्डिहाइड बनाता है, एल्डिहाइड ही बनाता है डायबोल, तो क्या बन जाएगा सी आंसर आ जाएगा। इधर देखो NaBH4 क्या करेगा, NaBH4 एक तरह से अल्कोहल बनाएगा, बिल्कुल, तो यहां पर अल्कोहल बनेगा, देख लो इसमें, चलो ठीक है। तो अब आपके NaBH4 क्या करेगा, एक तरह से NaBH4 सिर्फ अल्कोहल में चेंज करेगा, तो ये अल्कोहल में चेंज करेगा और ये भी, ये तो क्या करेगा अल्कोहल और दिस, तो अब बताइए आप फटाफट कि आंसर क्या जाएगा, बिल्कुल ए और बी क्या है, तो ए, ये तो आपके पास आ जाएगा, ए तो H2PD तो एल्कोहल और ये डबल बॉन्ड को रखेगा, तो बी आंसर बिल्कुल सही है।
क्योंकि NaBH4 और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन और आइन को नहीं करती है। बिल्कुल, तो यहां हमारे पास द फॉलोइंग रिएक्शंस, रेड फास्फोरस HI, रेड फास्फोरस HI का काम ही क्या है, ऑक्सीजन को हटाना, तो आई यहाँ आ जाएगा, आई यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल सही है, और एल्केन बनाएगा, फाइनली आपके पास क्या बन जाएगा, इथेन, 2 मोल इथेन के बन जाएंगे और पानी बाहर निकल जाएगा, तो एक्स यहां पर इथेन है। नेक्स्ट, ये डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अरे वाह, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये भी तो एक तरह से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह ही काम करेगा, तो एल्कोहल बनाएगा, तो एल्कोहल क्या बनाएगा, RCH2OH, बिल्कुल वही है, जितने भी मेटल हाइड्राइड्स हैं वो यही काम करते हैं लगभग लगभग, रिएक्टिविटी कम ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट, व्हाट आर ए एंड बी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, रेनी निकल हटा दो, ये भी सिंगल और ये क्या कर देगा, OH, तो आंसर क्या होगा ये, लेकिन आगे दूसरा क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड के साथ कुछ भी नहीं होने देगा, तो पी तो ये रहेगा और क्यू ये रहेगा, बिल्कुल सही है, डबल बॉन्ड को कहां करता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, निकल करता है, तो पी में तो ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा और ये यहां पर, यानी ये पहले पी पूछ रहा है और फिर क्यू पूछ रहा है, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन आपका क्या है, यहां पर लास्ट देखो, ऑक्सीडेशन बेयर रिएजेंट डीकलराइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग, एल्कीन का होता है डीकलराइजेशन, एल्कीन एंड एल्काइन बोथ, दोनों का हो सकता है वो, तो एल्कीन में क्या बनेगा आपको मालूम है, OH OH, और एल्काइन में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, खत्म बात, तो डीकलराइजेशन दोनों का होता है। इथाइलिन ग्लाइकोल ऑन रिएक्शंस विद एल्कलाइन KMnO4, इथाइनाइल ग्लाइकोल, यानी कुल मिला के आपके पास OH, तो क्या हो जाएगा, अब आप खुद ही बना लो, ग्लाइऑक्सेल बन जाएगा, सही है, दोनों OH किससे चेंज हो जाएंगे, ऑक्सेल, ग्लाइऑक्सेल, ठीक है, करिए आगे, तो ध्यान से सुनो, HA टर्मिनल ऑक्सी हाइड्रोजन है, तो वो भी तो चेंज हो जाएगी OH में, और उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सेलिक एसिड, तो इसलिए इतना तो समझ सकते हो आप, तो आंसर क्या जाएगा, ऑक्सेलिक एसिड सी, ठीक है। अगर यहां पर H नहीं होता साइड में तो बात अलग थी, फिर तो होता ही नहीं। नेक्स्ट, 1-ब्यूटाइन KMnO4 को गर्म करा आपने, 1-ब्यूटाइन, अरे यार 1-ब्यूटाइन, ये 1-ब्यूटाइन हो गया, 1 2 3, और KMnO4 के साथ गर्म कर रहे हो, तो फिर तो सारे बॉन्ड तोड़ दो और क्या लगा दो, OH OH OH, 1 2 3, तो एक तो बन जाएगा 3 वाला एसिड, 1 2 3 वाला, और एक क्या बन जाएगा, CO2 और H2O, खत्म, सी आंसर सही है, क्योंकि इस कार्बन पे OH OH OH, 3 OH आएंगे, 1 H आएगा, तो गलत है ये भी, 1 H आएगा और 3 OH आएंगे, तो ये आपके पास डी आंसर जाएगा, C3 का पहले ये बनेगा, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, टर्मिनल है ना कार्बोनाइल वाला, तो ये भी किसमें चेंज हो जाएगा, OH, फिर उसके बाद H2O निकल जाएगा, तो फाइनली यही बनेगा, यहां ये तो नहीं दे रखा है KMnO4 के, हाँ, तो इस तरह से हमारे एक्स प्लस वाई दिया ना, उस हिसाब से मैं आंसर ये ले रहा हूं, लेकिन कंट्रोवर्सी है, एक्स प्लस वाई ही तब भी यही आंसर जाएगा मेजर, हाँ, तो कुल मिला के इसका आंसर सी जाएगा, करें इसको, क्लियर है,